हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुकी GDS ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 पदों पर फॉर्म एडिट करेक्शन विंडो के बारे में। आपको पता होगा कि आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर भी दिया। अब जाके उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आवेदन करते टाइम बहुत सारी गलतियां की हैं, अब वो उसको सुधारना चाहते हैं। इसके रिकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि आप लोग कैसे और कब से कहाँ से आप लोग फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। कंप्लीट प्रोसेस प्रूफ के साथ में आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको डेट बताएंगे फॉर्म करेक्शन की, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या आप लोग सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग सुधार करेंगे। प्रोसेस आपको वीडियो के आखिरी में देखने को मिल जाएगा, एक्चुअल में कैसे सुधार किया जाता है। डेट भी आपको बता देंगे। पहली लिस्ट आने से पहले सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं। किसी ने अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी है, तो किसी ने कक्षा 10वीं के नंबर में गलती कर दी, किसी ने सब्जेक्ट डालने में गलती कर दी, तो किसी ने गलत कैटेगरी ही सेलेक्ट कर ली। सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ करी हैं। आपको बताएंगे कैसे आप लोग सुधार कर सकते हैं और इस विषय में ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों में सुधार कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म एडिट प्रोसेस भी आपको दिखाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको थ्योरी जो है तो नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे ये करना है, बल्कि हम यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर एडिट एप्लीकेशन, आपके लिए एक वीडियो हमने प्रबंध किया है कि आपको लाइव दिखा सके कैसे आप लोग एडिट कर पाएंगे। बाकी जब डेट आ जाएगी उसके बाद आपको हम करके भी एक बार और दिखा देंगे। आपको बता दें इस वीडियो को आप लाइक करें, आप सभी के लिए हम दिन रात मेहनत करके ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप ज़्यादा पैनिक ना हो। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे ऐसा क्या लिखा है फॉर्म करेक्शन को लेकर और आपको कौन सी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी आप लोग देखिए कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जुलाई 2024 शेड्यूल का, वो ओपन हो चुका है। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में और फॉर्म एडिट और करेक्शन विंडो के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने रेफर किया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एनेक्सर सेकंड को रीड करें, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि जो एनेक्सर सेकंड में दिया गया है वही इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 23 में भी दिया गया है। आप चाहें तो रीवेरीफाई कर सकते हैं, एनेक्सर 2 को डाउनलोड करें और इस पेज में जो 23 नंबर पे दिया गया है उसको देखें, सेम ही निकलेगा। यहाँ पे आप लोग देखें, आवेदन आपके 5/8/2024 यानी 5 अगस्त तक चलेंगे और जो एडिट और करेक्शन की विंडो है उसकी डेट है 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त की, यानी कि 6, 7 और 8 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 23 पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखें 20 यानी 20 और इसके बाद ये 21 और ये 22 और अब आ चुके हम 23 पर। 3.4 पॉइंट देखें, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यहाँ पे देखें, जो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, एक लाइन पे गौर करिएगा, इधर से आप लोग देखिएगा और आपको देखना है यहाँ तक। देखिए, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दिस करेक्शन विंडो इज टू करेक्ट द नेम एंड अदर डाटा, मार्क्स, चॉइस फिलिंग एक्सेट्रा। यानी यहाँ साफ साफ कहा गया है कि जो एडिट विंडो ओपन करने का पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे आप लोग अपना अगर नेम में गलती किए हों तो उसको सुधार लें। जो भी आपने डेटा फिल किया है, जैसे 10th के नंबर्स फिल किए हैं, वो सारी चीज़ें सही कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे चॉइस फिलिंग यानी जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्शन किया है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। बाकी जब हम लाइव करके दिखाने वाले हैं आगे, तो आप उसमें देखिएगा कौन कौन सी चीज़ों को एडिट करने के लिए बोला है। एक बात और बता देते हैं, अगर आप एडिट विंडो पर जाते हैं तो आप एक बार ही एडिट कर पाएंगे, आपसे कोई फीस तो नहीं ली जा रही, लेकिन आपको दोबारा एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। एक बार एडिट करके सबमिट करने के बाद उसी को मान्य किया जाएगा। अगर उसमें भी कोई गलती होती तो आगे चल के कभी भी आपको ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको एडिट कर पाएं या फिर कोई भी सफाई पेश कर पाएं। तो आप जो है तो लास्ट राउंड होगा आपका, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना कि आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएं। तो लास्ट टाइम है आपका, आपको ध्यान से जो है तो फॉर्म एडिट करना होगा। प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जब भी डेट आपकी आए उसको ध्यान से
एडिट करिएगा। इसके अलावा आपको बता दें, एक बार एडिट विंडो पर जाने के बाद आपको स्टार्टिंग से अपनी पूरी की पूरी जानकारी फिल करनी पड़ेगी। जो आपने सही डाला है उसको भी आपको फिल करना होगा, जो आपने गलत डाला उसको भी आपको फिल करना होगा। एक तरह से देखा जाए तो पूरा फॉर्म ही आपका रिसबमिट होगा, यानी कि शुरू से सबमिट होगा। ना केवल वो चीज़ें जो आपने गलत डाली हैं बल्कि सही वाली चीज़ों को भी आपको दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रोसेस के बारे में। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आपको सबमिट की बटन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन नंबर में इन्होंने एक ओटीपी भेज दिया है जो कि हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हम इसको जो है तो फिल कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड मिलेगा, इसको फिल कर देना है। देख सकते हैं मैं इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करता हूँ, आपके सामने सारी प्रोसेस करने वाला हूँ। UFT और यहाँ पे GN। इतना करने के बाद आपको सबमिट की बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब भी आप लोग दोबारा ट्राई करेंगे अच्छे से, तो आप लोग आ जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .in सेज प्लीज़ इंटर फादर नेम, इंटर डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आप लोगों ने एक बार एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। जेंडर, कम्युनिटी, सर्कल इन विच यू हैव क्वालिफाइड सेकेंडरी स्कूल, और प्लीज़ सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल। आपको ये सारी चीज़ें PWD पर्सन है कि नहीं, इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल की लैंग्वेज और एम्प्लॉयड और नॉट, और फोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है तो फिल करनी होंगी। और बिना इसको फिल किए आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। आप लोग यहाँ से आसानी से अपने फॉर्म को एडिट और करेक्ट कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।